हेलो एवरीवन, आरएचएल सिक्स की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम सीखेंगे यम सर्वर कैसे कॉन्फिगर किया जाता है आरएचएल सिक्स की मशीन में। ठीक है, पिछले वीडियो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि यम सर्वर का यूज क्या होता है, कैसे उसको यूज किया जाता है, क्यों उसको यूज किया जाता है, क्या उसका यूज होता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो इस वीडियो हम सीखेंगे कि यम सर्वर को कॉन्फिगर कैसे करते हैं। तो ये हमारा कॉन्फिगरेशन लैब है और उसमें जो लैब है उसमें ये जो मशीन है इसको हमने एज ए यम सर्वर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें जो NIC है उसका कॉन्फ़िगरेशन है 1 IP address जो उसका है वो है 172.18.209 और .9 और सबनेट मास्क है 255.255.255.0। अब ये हमारी लैब बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यम सर्वर कॉन्फिगर करना है। तो यम सर्वर की जो स्टेप्स होती है उसकी एक मैंने वर्ड फाइल बनाई हुई है और उसमें सभी स्टेप्स लिखा हुआ है। तो वन बाय वन हम सभी स्टेप को फॉलो करेंगे यम सर्वर को कॉन्फिगर करने के लिए। अब सबसे पहला स्टेप है, आपका जो यम सर्वर है उसका NIC कॉन्फिगर है या नहीं वो चेक कर लीजिए। अगर आपका NIC आपकी लैब के अकॉर्डिंग कॉन्फिगर नहीं है तो सबसे पहले उसे कॉन्फिगर कीजिए और उसके बाद में उसको चेक कीजिए। तो कॉन्फिगर करने के लिए कमांड है सेटअप, फिर चेक करने के लिए कमांड है ifconfig। तो हम चेक कर लेते हैं पहले कि हमारा जो NIC है मशीन का वो कॉन्फिगर है या नहीं। तो चेक करने के लिए कमांड है ifconfig ATH0। तो देखिए हमारा जो NIC है वो कॉन्फिगर है प्रॉपरली 172.18.209.9। अब इसको चेक कर लीजिए ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए कमांड है ping 172.18.209.9। तो देखिए वर्क कर रहा है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी आपके RHEL 6 की DVD है उसे इंसर्ट कीजिए और माउंट कीजिए PC में। तो इंसर्ट करते चलिए, इंसर्ट करने के लिए डिवाइस, फिर CD, फिर RHEL 6। चलिए हमारी CD इंसर्ट हो चुकी है, अब हमें इसे माउंट करना है। तो माउंट करने के लिए कमांड है mount /dev/cd-rom/MNT। इस कमांड से क्या होगा, जो भी हमारा RHEL 6 की DVD होगी वो हमारे PC में MNT के अंदर माउंट हो जाएगी। चेक कर लीजिए कि माउंट हुआ या नहीं। तो माउंट पॉइंट की एंट्री चेक करने के लिए कमांड है df-h। तो देखिए माउंट हो चुका है MNT के अंदर। अब वहाँ पे जाकर के आप चेक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल बता रहा है कि आपके RHEL 6 की जो भी DVD है उसका कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ls कमांड देखिए सिर्फ, तो आपके जितने पैकेज हो, एक सर्वर नाम की डायरेक्टरी होगी उसके अंदर और उसके अंदर एक पैकेज नाम की डायरेक्टरी होती है, उसमें सारे आपके पैकेज इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, और ये एक की होती है RPM GPG की, रेड हैट रिलीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी जितने भी पैकेज होते हैं RHEL 6 के उनकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। ठीक है, एंड अगर आप की वेरीफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइल कंपल्सरी आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसको, यार जो भी इसका यूज है हम बाद में देखेंगे इसका। नेक्स्ट स्टेप है हमारा माउंट होने के बाद में आपको ये RPM इंस्टॉल करना है। तो ये RPM इंस्टॉल करके देखते हैं, जैसा हमने पहले बताया था कि हमने माउंट का किया CD MNT के अंदर। सबसे पहले MNT के अंदर जाइए, उसके बाद हमने बताया था कि MNT के अंदर हमने बताया था सर्वर नाम की एक डायरेक्टरी होती है, उसमें एक पैकेज नाम की डायरेक्टरी होती है, उसमें सारे पैकेज होते हैं। तो चलिए सर्वर में चलते हैं, फिर उसके बाद में पैकेज, और उसके बाद में हमें RPM इंस्टॉल करना, RPM-IVH-VSFTPD, ये RPM हमें इंस्टॉल करना है। अभी हमारा यम सर्वर कॉन्फिगर नहीं है इसलिए हम किसके थ्रू कर रहे हैं, RPM कमांड के थ्रू ये पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये बता रहा ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसको चेक करने के लिए आपके पास कमांड है। अगर आपको चेक करना है कि इंस्टॉल है, प्रॉपर इंस्टॉल है या नहीं, तो उसके लिए कमांड है VS RPM-QA और फिर उस पैकेज का नाम जिसको आपको चेक करना है। तो ये बता रहा है देखिए इंस्टॉल है, अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे ब्लैंक शो करता, मतलब ये हमारा RPM इंस्टॉल है। नेक्स्ट स्टेप्स, उसके बाद आपको क्या करना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है वार FTP पब के अंदर, और उसके अंदर आपकी पूरी CD कॉपी, जो भी RHEL 6 की जो DVD का जो कंटेंट है, पूरी DVD आपको उसके अंदर कॉपी करनी है। तो पहले सबसे पहले हम क्रिएट कर देते हैं, कहाँ पे हमें क्रिएट करना है, CD वार FTP पब के अंदर। तो सबसे पहले हम उस डायरेक्टरी में चलते हैं, CD वार FTP पब। अब यहाँ पर हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी है माई सॉल्यूशंस नाम की। ठीक है, कंपलसरी ऐसा नहीं है कि आपको माई सॉल्यूशंस नाम की डायरेक्टरी ही क्रिएट करनी है, आप जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं।
पर भी कोई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं है तो हम क्रिएट कर देते हैं। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कमांड है mkdir और हमें किस नाम से क्रिएट करनी है, माय सॉल्यूशंस। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो भी आपकी डीवीडी है उसका सारा कंटेंट आपको इस डायरेक्टरी में कॉपी करना है। तो चलिए कॉपी करते हैं। तो हमने डीवीडी कहाँ कॉपी की थी, सॉरी कहाँ पर हमने माउंट किया था, एमएनटी के अंदर। तो कॉपी करने के लिए कमांड है सीपी और फिर हाइफन आरएफ, आरएफ यानी रिकर्सिव फोर्सफुली। और कहाँ से हमें कॉपी करना है, एमएनटी से, और सारा कंटेंट हमें कॉपी करना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे स्टार, और फिर कहाँ पर कॉपी करना है, वार एफटीपी पब और उसके अंदर माय सॉल्यूशंस। ये हमारा डीवीडी का जो कंटेंट है वो माय सॉल्यूशन नाम की डायरेक्टरी के अंदर कॉपी हो रहा है। जब तक ये कॉपी हो रहा है तब तक हम इस वीडियो को पॉज कर देते हैं। चलिए हमारी सीडी कॉपी हो चुकी है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इन द नेक्स्ट स्टेप गो टू वार एफटीपी पब माय सॉल्यूशन सर्वर पैकेज डायरेक्टरी एंड देन इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज। ये हमें पैकेज इंस्टॉल करने हैं। क्या होता है कि हम सर्वर जब भी कॉन्फिगर करते हैं तो हमें जितने भी पैकेज होते हैं उस डायरेक्टरी के अंदर उन सबका एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ती है, और रेपोजिटरी क्रिएट करने के लिए कमांड होता है क्रिएट रेपो। क्रिएट रेपो जो कि बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है, इसलिए हमें इसका आरपीएम इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में हम रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट रेपो आरएचएल 6 में क्रिएट रेपो की भी एक डिपेंडेंसी होती है दो, एक यानी क्रिएट रेपो का जो आरपीएम है वो अगर आपको इंस्टॉल करना तो उससे पहले ये दो आरपीएम पैकेज आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये आरपीएम पैकेज इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहले हम ये तीनों पैकेज इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद में इसका रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। चलिए अब हमने चूँकि माय सॉल्यूशंस नाम में माय सॉल्यूशंस के अंदर हम कॉपी कर चुके हैं हमारी डीवीडी, तो हम वहीं से डायरेक्ट इन पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। सीडी माय सॉल्यूशंस, सीडी सर्वर, सीडी पैकेज, और यहाँ से हम अब वो पैकेज इंस्टॉल करते हैं। कौन कौन से पैकेज हम इंस्टॉल करने हैं, डेल्टा आरपीएम, उसके बाद में आरपीएम हाइपन आईवीएच पाइथन और डेल्टा आरपीएम, ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आपको पैकेज इंस्टॉल करना है आरपीएम हाइपन आईवीएच क्रिएट रेपो। चलिए हमारे तीनों पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमारे जो इतने आरपीएम पैकेज है उनका हमें एक रेपोजिटरी क्रिएट करना है, ठीक है। रेपोजिटरी क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि हमारी जो डीवीडी हमारे सारे पैकेज किस में है, आरपीएम आरएचएल के जितने पैकेज हैं आरपीएम हैं वो सारे पैकेज नाम के डायरेक्टरी के अंदर, उसमें भी अलग अलग डायरेक्टरी होती है, ठीक है। तो रेपोजिटरी क्रिएट करने का मतलब होता है कि उन सारी सभी अलग अलग डायरेक्टरी से वो पैकेज कलेक्ट करेगा और उसकी एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी क्रिएट करेगा, ताकि जब भी कोई क्लाइंट मशीन उस पैकेज को एक्सेस डाउनलोड करने की कोशिश करे तो उस डायरेक्टरी से वो क्रिएट कर डायरेक्टरी से डाउनलोड डायरेक्टली उस डायरेक्टरी से डाउनलोड कर सके। इसलिए हम क्या करेंगे, उस उन पैकेज की एक रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो रेपोजिटरी क्रिएट करने के लिए कमांड है क्रिएट रेपो हाइपन वी वार एफटीपी पब माय सॉल्यूशंस के अंदर हमने कॉपी किया है सर्वर और सारे पैकेज किसके अंदर, हमारे इस डायरेक्टरी के अंदर। तो यहीं से हमें क्या करनी है, उसकी रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। तो चलिए क्रिएट करते हैं, क्रिएट रेपो फिर हाइपन वी और फिर वार एफटीपी पब माय सॉल्यूशंस, उसके बाद सर्वर, उसके बाद पैकेज। तो इसके अंदर जितने पैकेज होंगे ये कमांड उन पैकेज के एक रेपोजिटरी क्रिएट करेगा। जैसे इससे टोटल पैकेज कितने मिले, 3431 इतने पैकेज से मिला, अब ये उनके एक रेपोजिटरी क्रिएट कर रहा है।
चलिए हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको यह करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको क्रिएट करनी है ETC के अंदर yum.repo.t। इसके जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने पीछे वीडियो में देखी थी वो कौन सी होती है, vim/etc के अंदर yum.conf, ये इसकी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ठीक है, अगर आपको सेपरेट कोई आपकी रेपो फाइल क्रिएट करनी है तो आपको कैसे क्रिएट करेंगे, vim आपको कहाँ क्रिएट करनी है, cd/etc/yum.repos.d के अंदर जाइए और यहाँ पर जो भी आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के लिए आप अलग अलग कमांड यूज कर सकते हैं, vim एडिटर यूज कर सकते हैं, vi यूज कर सकते हैं, नैनो यूज कर सकते हैं, gedit यूज कर सकते हैं, vim/server.repo। तो चलिए यहाँ पर पहले से फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने पहले से डेमो फाइल क्रिएट कर रखी थी, ये लोकल ये एंट्री कब करनी है जब हमें लोकल यम सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, सेंट्रलाइज यम सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एंट्री आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सब एंट्री आपको मैन्युअली लिखनी पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट ये नहीं होती, ये मैंने पहले से कॉन्फ़िगर कर रखी थी इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, आपको अगर ये नहीं मिले ये सभी एंट्री आपको मैन्युअली ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसकी एक आईडी लिखनी है सर्वर, यहाँ पर फिर नेम, नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये जो पाथ है इसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले एडिट करने के लिए आप जाइए इंसर्ट मोड में, इंसर्ट मोड में जाने के लिए इंसर्ट की प्रेस कीजिए या आई प्रेस कीजिए, उसके बाद में जो भी आपका पाथ है FTP --, आपके जो यम सर्वर है उस मशीन का IP एड्रेस 209.9 और फिर हमने जो फाइल बनाई थी क्या पाथ देना आपको, pub/mysolutions pub/my solutions यानी क्लाइंट मशीन जो एक्सेस करेगा इस यम सर्वर को वो किसके थ्रू करेगा, इस पाथ के थ्रू, यानी जब भी वो पैकेज डाउनलोड करेगा तो वो इस पाथ इस URL के थ्रू वो क्या करेगा, उससे डाउनलोड कर पाएगा। ठीक है, अगर आप लोकली यूज कर रहे हैं तो जो पहले जो एंट्री थी file/mnt वाली वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पाथ होता है कि उसमें बताएंगे कि आपको जो पैकेज डाउनलोड करने हैं वो इस पाथ से करने हैं। ठीक है, उसके बाद में इस फाइल को सेव कर लीजिए, GPG चेक यहाँ पे 0, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी पैकेज इंस्टॉल हो उसकी GPG आपको चेक, उसकी जो की वेरिफिकेशन आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे 0 यूज कर सकते हैं। अगर आपको की वेरिफिकेशन करना है तो आपको कंपलसरी 1 करना पड़ेगा, और वो जो मैंने फाइल बताई थी वो भी आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो अभी हम की वेरिफिकेशन नहीं करते हैं और इनेबल, अगर आपको प्लगइन्स यूज करने हैं तो आप इनेबल 1 करना पड़ेगा, अगर आपको प्लगइन्स नहीं यूज करने हैं तो आप 0 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और बाद में इस फाइल को सेव करने के लिए आपको प्रेस करना एस्केप, फिर कॉलन, फिर WQ और एक्सक्लेमेटरी मार्क। फाइनली ये जो प्लगइन होते हैं वो यूज होते हैं कहाँ पर होते हैं, cd/etc उसके बाद में यम और उसके अंदर प्लगइन्स, और यहाँ पर आप एक कमांड प्रेस कीजिए ls और यहाँ पर एक फाइल होती है refresh package kit.conf, उस फाइल को आप एडिट करके देखिए,
तो यहाँ पर आ रहा है देखिए इनेबल, तो अगर यहाँ पर भी आप उसको एडिट, यहाँ से भी आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से नहीं करते हैं, ठीक है। हमारी जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, हमने जो रेपो क्रिएट की थी वो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट होती है, रेपो फाइल क्रिएट होती है, उसके बाद आपको क्या करना है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आप रेपो फाइल क्रिएट कर रहे हो उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन पीछे डॉट रेपो एक्सटेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो वी एस एफ्टीपीडी की जो डेमेन है वो आपको स्टार्ट करनी है। तो वी एस एफ्टीपीडी का डेमेन हम स्टार्ट करते हैं, सर्विस वी एस एफ्टीपीडी स्टार्ट। तो हमारा डेमेन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको बूट टाइम पे, यानी सर्विस कमांड से क्या होगा, वो सर्विस टेम्परेरी ऑन होगी। अगर आप चाहते हैं बूट टाइम पे भी आपको ये सर्विस ऑन हो जाए जब पीसी बूट हो रहा हो, तो आपको क्या कमांड देना है, सी एच के कॉन्फिग प्रीवियस एफ टी पी डी और ऑन। इससे क्या होगा, कोई भी सर्विस परमानेंट ऑन होती है, या उससे कह सकते हैं आप बूट टाइम ऑन होती है, यानी बूट के समय भी ऑन हो सकती है। जब पीसी बूट हो रहा हो तब ये सर्विस ऑन हो जाएगी, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आई पी टेबल्स को स्टॉप कर देना है। तो सर्विस आई पी टेबल्स स्टॉप, चलिए आई पी टेबल्स ऑफ हो चुका है, इसको भी परमानेंट हम ऑफ कर देते हैं। सी एच के कॉन्फिग आई पी टेबल्स ऑफ हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है आपका यम सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए कमांड है, आप चेक कर सकते हैं, यम रेपो लिस्ट। अगर आपका यम सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा होगा तो ये बता देगा आपको। चलिए हमारा यम सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा, देखिए यहाँ पे रेपो नेम बता रहा है, यम सर्वर जो हमने वहाँ पे दिया था, और रेपो जो आईडी था वो क्या दिया था, हमने सर्वर दिया था, ठीक है। अब हम कोई पैकेज सर्च करके देखते हैं, अगर आपको कोई यम सर्वर से कोई पैकेज सर्च करना है तो क्या लिखेंगे, यम सर्च और पैकेज का नाम। तो देखिए ये पैकेज उसमें फाउंड हुए, यानी हमने जो पैकेज सर्च किए थे वो क्या थे, यम सर्च एस टी टी पी डी, ठीक है, और ये पैकेज उसे फाउंड हुए हैं। चलिए अब कोई पैकेज इंस्टॉल करके देखते हैं, यम इंस्टॉल। जब भी आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो तो आपको कमांड देखना है, यम इंस्टॉल और उस पैकेज का नाम जो भी आपको इंस्टॉल करना है। तो मैं लिख रहा हूँ यम इंस्टॉल एस टी पी डी स्टार, यानी एस टी पी डी के जितने भी पैकेज वो इंस्टॉल हो जाने चाहिए। अब ये पहले सर्च करेगा रिजोल्व, डिपेंडेंसी रिजोल्व करेगा, सबसे पहले पैकेज कम सर्च करेगा कौन कौन से पैकेज है, फिर उनकी डिपेंडेंसी रिजोल्व करेगा। अभी ये क्या कर रहा है, रिजोल्विंग डिपेंडेंसी, यानी डिपेंडेंसी जितनी भी है इस पैकेज की वो ये रिजोल्व कर रहा है। चलिए डिपेंडेंसी रिजोल्व हो चुकी है। अब ये क्या कह रहा है, चार पैकेज मिले इसके, कितने पैकेज, चार, क्या ये सही है, ये पूछ रहा है, इज दिस ओके। अगर आपको सही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वाई प्रेस करना है। चलिए अब ये पैकेज डाउनलोड करके, डाउनलोड कर दिया इसने, अब ये इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल हो चुके हैं सभी पैकेज। अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, आर पी एम हाइपन क्यू एस टी टी पी डी स्टार। तो तारा देखिए ये पैकेज आपके इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर आपको ये चेक करना है यम सर्वर के थ्रू, तो यम लिस्ट इंस्टॉल, ओके। तो ये सभी बता रहा है, तो यहाँ पे एरर आ रही है देखिए, ठीक है। ऐसे जब भी एरर आए तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, CD/ATC तो ये देखिए, एक फाइल जब भी आपको यम सर्वर को पैकेज इंस्टॉल कर दे एक बार, तो उसके एक रेपोजिटरी क्रिएट हो जाती है, यानी ऑटोमेटिक एक रेपो फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इस फाइल के कारण आपका यम सर्वर क्या हो सकता है, वर्क प्रॉपर वर्क नहीं करता, यानी वो एरर शो कर रहा है, जैसे हमने अभी पिछले
ये एरर देखी थी वो ऐसे एरर ये शो करेगा। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, या तो इस फाइल को डिलीट कर दीजिए या फिर इसको रीनेम कर दीजिए। तो अभी मैं इसको रीनेम कर देता हूँ या फिर इसको मूव कर देते हैं एम बी पैकेज और किस नाम से डॉट पैक ls हाइफन हेल। ठीक है, बैक हो चुका है। अब चेक कीजिए जो भी आप पैकेज चेक कर रहे थे। ये बता रहा, सर्च करके बता रहा है कि इतने सारे पैकेज इसमें इंस्टॉल है। सिर्फ आपको क्या चेक करना है, HTTPD। तो उसके लिए कमांड है यम लिस्ट इंस्टॉल और पाइप ग्रेप HTTPD। ठीक है, ये पैकेज उसमें इंस्टॉल है। ये कमांड क्या करेगा, जो भी यम लिस्ट इंस्टॉल इससे जो भी आउटपुट आएगा उसमें से फिल्टर करेगा सिर्फ HTTPD, उसको फिल्टर करेगा और उसमें से जो भी HTTPD पैकेज हैं, यानी जो भी पैकेज HTTPD से स्टार्ट हो रहे हैं उनको आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार आप यम सर्वर कॉन्फिगर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thanks for watching.